दोस्तों ये गाड़ी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर एक तो ये बहुत ही गजब तरीके से भरी हुई है, वैसे ही ख़तरनाक है। ऊपर से इसके पीछे चलना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है तो आप ज़रा इसको देखिए, ये देखिए, इसके पीछे बाइक वालों का चलना जो है हराम हो चुका है। और अभी मैं इसको रोकता हूँ, इससे कहता हूँ कि भैया अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करो, और खड़ी करके पहले अपनी तिरपाल सही करो। सब माल जो है गिरता हुआ जा रहा है, भूसा लगातार गिर रहा है। तो चलिए इसको रुकवाते हैं। तो गाइस, मैंने इस गाड़ी को रुकवा दिया, और देखिए सामने अब ये अपनी गाड़ी का तिरपाल जो है वो सही कर रहे हैं। यार चलना मतलब दुश्वार हो गया था, पूरे कपड़े सब गंदे हो गए और कतई भूत बना दिया है। और ये भूसा जो है जब आँखों में पड़ता है तो रोड पर चलना जो है बाइक वालों के लिए खास करके बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो खुली गाड़ी भी चलाते हैं, जिनके शीशे खुले होते हैं, तो उसके अंदर भी घुस जाता है। और इससे होता क्या है कि आँखों पर बहुत ज़्यादा डिफेक्ट पड़ता है यार, कि मतलब जो है आँखों में चला गया अगर तो आदमी का चलना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इनको रुकवाया था, और देखिए किस तरीके से जो है भूसा गिर रहा था, आप खुद देख सकते हैं। तो इस तरीके की गाड़ियां जो है रोड पे ना चलाएं, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। और यही भूसा अगर किसी को ऊपर गिरता, कोई नहा धो करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके कहीं जा रहा है और उसके ऊपर इस तरीके से भूसा गिर जाए, तो आप सोचिए उसकी क्या दशा होगी। तो इसीलिए मैंने इनको रुकवाया था और इनसे कहा कि भैया अपनी गाड़ी रोक करके आप पहले तो अपना तिरपाल सही करो, फिर जो है आप गाड़ी चलाओ। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।